हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका वेल्डिंग मशीन जो पार्ट टू आज वीडियो में शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पर पिछली वीडियो में जो हमने क्या किया था कि इसका रेक्टिफायर ख़राब था, जो इसकी दोनों IGBT ख़राब थे उसको हमने बाहर निकाला था। रेक्टिफायर ख़राब था, इस रेक्टिफायर को हमने चेंज किया था, इसकी पूरी प्रिंट को हमने यहाँ पे ठीक किया था। अब इसके बाद हमने आज इसके ड्राइवर सेक्शन के ऊपर बात करना है कि ड्राइवर सेक्शन में क्या क्या खराबी होती है और क्या क्या कमी है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसके ड्राइवर सेक्शन को। तो देखिए, ड्राइवर सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक तो यहाँ देखिए ये प्रिंट जला हुआ है, दूसरा एक ये प्रिंट जला हुआ है, तीसरा एक ए रेजिस्टेंस से जला हुआ है, चौथा और एक ए रेजिस्टेंस से जला हुआ है। तो देखिए, प्रिंट और रेजिस्टेंस तो हमें चेंज करना ना है। ये 100 लिखा हुआ है लेकिन ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हमें दोनों को चेंज करना है। साथ ही साथ यहाँ पर SS14 का एक आपको डायबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये डायबोर्ड जबकि नहीं है, ये जीनर है। देखिए SS14, ये आप लोगों को डायबोर्ड दिखाई दे रहा है पर ये डायबोर्ड नहीं है, ये जीनर है 40 वोल्ट का। IGBT आपकी जितनी बार भी अगर आपका शॉर्ट होता है उतनी बार आपको ये दोनों जीनर डायबोर्ड चेंज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं चेंज करते हैं तो भाई साहब, वेल्डिंग मशीन आपकी एक शॉट में ही IGBT दोबारा शॉर्ट कर देगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें इसको ठीक करने के लिए, मैं इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको समझिए और इसके ऊपर अपना नॉलेज बढ़ाइए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर जो 100 की रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है उसको चेक करना है कि भाई ये बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस हुई, तो 10 ओम्स का मतलब हमारा क्या हुआ, बीप आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि ये समझ लीजिए जो चीज़ें आप 4,000 या 5,000 रुपये किसी को दे के समझाएंगे ना, वो आज मैं फ्री में समझा रहा हूँ। तो ये 100 का मतलब है 1, 2, 3 और 1, 4। तो ये 100 की 4 रेजिस्टेंस लगी है, 100 का मतलब हो गया 10। अगर 101 होता तो ये 100 ओम हो जाता, 100 लिखा है तो ये 10 ओम हुआ। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, मीटर की तरफ गौर कीजिएगा। देखिए मल्टीमीटर मेरा बिल्कुल ओके दिखाई दे रहा है, डेट्स गुड। देखिए ये 100 का 100 दिखा रहा है, मतलब ये 100 का 10 ओम दिखा रहा है। फिर इसको चेक करेंगे, देखिए ये भी ठीक दिखाई दे रहा है, इसको चेक करेंगे ये भी ठीक दिखाई दे रहा है, इसको चेक करेंगे तो ये भी ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन मॉस्फेट की गेट और सोर्स की रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे गेट और सोर्स की रीडिंग देखिए नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए थे। अब क्यों नहीं आ रहा है? एक तो आपका देखिए 2 रेजिस्टेंस से आपकी 10 ओम वाली ये खराब है जो मॉस्फेट की गेट पे लगा हुआ है, और ये जीनर को भी हमें 40 वोल्ट वाली जीनर को चेक करना है। तो उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये 4 रेजिस्टेंस तो हमारी ठीक है, ये वाली देखिए, ये हमारे 5R1 मतलब 5 ओम हो गया, ये 200 का मतलब है 20 ओम, इसको भी चेक करते हैं। देखिए 5R1 को हम चेक करते हैं, ये भी बीप करेगा। देखिए ये भी खराब है, ओपन, ये देखिए इसकी सबसे का देखिए 5 ओम्स के रेजिस्टेंस का 200 ओम्स की वैल्यू हो गई है, ये भी आपका खराब है। ठीक है, और ये 200 ओम वाले को चेक करते हैं तो ये 20 ओम होगा, तो देखिए ये अच्छा है, ये बीप कर रहा है, ओके है। इसको देखिए ये भी ओके है, मतलब कुल मिला जुला के इसमें 6 कंपोनेंट चेंज होने हैं और 2 प्रिंट ठीक होने हैं, तब जाके ये चार्जर ठीक होगा। ठीक है, अगर ऐसी तरीके से आप रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो भाई टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, आराम से चले आइए। और टाइम वेस्ट करना है फिर तो भाई कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फटाफट से मैं इसको
ठीक करता हूँ और इसको लाइवली ठीक करूँगा, मतलब स्किप वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जूमिंग कम करता हूँ। तो सबसे पहले हमें 5R1 का जो रेशन है उसको चेंज करना है। देखो वहाँ पे सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो सबसे पहले हम 5R1 का रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे, चेंज कर देंगे। चेक नहीं करना है, चेंज करना है सीधा। चेक करने में और चेंज करने में बहुत फ़र्क है, सीधा चेंज करते हैं। 5R1 का दोनों के दोनों रेजिस्टेंसों को हमें चेंज करना है, ठीक है। मेहनत से वीडियो आप लोगों को बनाता हूं तो भाई कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, फ्री का है, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। उसी के साथ हमें ये हो जाता है कि हमारे को अच्छे से अच्छा कंटेंट पे वीडियो बनाने का दिल करता है। जब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं होता। 5R1 एक निकाल दिया, 5R1 दो निकाल दिया। 5R1 का मतलब हो गया 5 ओम, तो मैं इसमें 5 ओम का डाल देंगे। कोई जरूरत नहीं है कि आप 5 ही ओम डालिए, 4R7 में डाल सकते हैं रेजिस्टेंस की डब्बा, ठीक है, SMD का। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस रख रखा है, इसको भाई हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ब्लोवर कम कर लेते हैं भाई, ठंड बहुत है यार। ले सर, ससुर इतना ठंड है। चाय बार बार बनवानी पड़ रही है, परेशान मत होगी। चाय मैं आप लोगों को पिला देता लेकिन आप लोग बहुत दूर हैं तो इसलिए पूछ भी नहीं सकता हूँ। पूछ तो सकता हूँ पर पिला नहीं सकता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत दूर हैं। अब किसको यहाँ से एक उठा लो। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस मैं ढूंढ रहा हूँ फटाफट, 100 वाला। 101 मिला, मैं 10 का जब तक इसमें से 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा नहीं तो से निकाल गया। तो यहाँ पर देखिए 5R, मेरे पास 5R7 नहीं है तो 4R7 है, तो ये काम करेगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। और गाइज अगर आपको चाय पीना है तो आप चले आइए, वेलकम है। ठंड के अनुसार पूछ रहे हैं, गर्मी में तो फिलहाल नहीं पूछते। तो ये दो रेजिस्टेंस मैं लगा रहा हूँ आप लोगों का, 5R7 की जगह लगा रहे हैं 4R7, ठीक है। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करेगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंसों को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, जो रेजिस्टेंस जहाँ से निकाला था। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी जल्दीबाजी में सारे PCB का रेजिस्टेंस किसी का भी नहीं निकालना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपका नंबर भूल जाएंगे आप और फिर आपको दिक्कत होगी, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत ही जल्दी मेरे पास वेल्डिंग मशीन का कोर्स चालू होने को है, क्योंकि हम देखिए देर करते हैं पर दुरुस्त करते हैं, मतलब कि जो भी काम करना है हमें सही तरीके से करना है। ये नहीं है कि भाई इधर भी टांग अड़ा दिया उधर भी टांग अड़ा दिया और हुआ कुछ भी नहीं, ऐसा काम नहीं करते हैं। कौन सा चाहिए था? 10 ओम। तो देखिए ये हमारे पास 100 का रेजिस्टेंस आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। 100 मतलब 10 ओम, देखिए दिखाई दे रहा होगा। इसको भी मैं यहाँ पर 100 वाले को निकाल देता हूँ दोनों को, और दोनों को 100 का लगा देता हूँ, ठीक है। ये कि निकल गया, दूसरा निकल गया। अब दोनों के दोनों को हमें 100 का लगा देना है। देखिए मॉस्फेट खराब हो रहा है तो मेन काम है देखिए कि उसका मिस्त्री परफेक्ट तभी हो पाएंगे कि मॉस्फेट सेक्शन का ड्राइवर का काम करना, जिस मिस्त्री ने अगर ड्राइवर का काम कर लिया तो वो समझ लीजिए कि मिस्त्री हो गया। इसमें ड्राइवर का ही काम, जो भी काम होता है ड्राइवर का ही काम होता है,
और मेन काम होता है सबसे ज़्यादा इसमें आयरन का चलाना। ये कई आदमी आपको बोलेंगे कि सर मैं सोल्डर से लगाता हूँ, सोल्डर से नहीं लगाता हूँ, SMT मशीन से लगाता हूँ। देखिए अपना अपना अनुभव है, जैसे जिसको करना हो कर ले, ठीक है। मैं यहाँ पर चार रजिस्टेंस मैं लगा दिया हूँ, एक बार मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा कहाँ पे रजिस्टेंस लगाया हूँ। देखिए 4R7, 4R7, 100 और 100। इसके बाद हमें ये दोनों जीनर को चेंज करना है। एक प्रिंट आपका ये टूटा है, इसको ठीक करना है। एक ये प्रिंट इसको टूटा है, इसको ठीक करना है, ठीक है। तो इसको भी हम फटाफट निकाल लेते हैं और लगा लेते हैं। और इस वीडियो को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबाई बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियरिटी समझ में आए। ये देखिए एक जीनर को मैंने निकाल लिया, 40 वोल्ट का जीनर है, ध्यान दीजिएगा। और 40 ही वोल्ट का जीनर लगेगा यहाँ पे, कम नहीं लगेगा। अगर कम लगाएंगे फिर भी मॉस्फेट आपका ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा लगाएंगे तो भी मॉस्फेट ख़राब होगा। वैसे ये चेक करेंगे तो ठीक दिखाई देगा, ठीक है। तो इस दोनों जीनर को भी हमें निकाल लिया है, इसको दोनों दोनों जीनर को भी हम चेंज कर देते हैं। लीजिए, तो यहाँ पर दो पीस मेरे पास जीनर है, ये दोनों जीनरों को चेंज कर देता हूँ। इसका नंबर है SS14, 40 वोल्ट का जीनर है। अभी मेरे पास वेल्डिंग मशीन का कोई सामान मैं बेचता नहीं हूँ, तो भी ये दो पीस दिखाई दे रहा है। जो बेचूंगा तो फिर हजारों के हिसाब से दिखाई देंगे आपको। तो दोनों जीनरों को नया लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये दोनों जीनर 40 वोल्ट के हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉस्फेट जब भी खराब है तो भाई इसको चेंज करना ही होगा, नहीं तो मॉस्फेट आपका पटाखा मार देगा। तो इसको भी मैं लगा देता हूँ, देखो आ रहा है कि नहीं। सही आ रहा, सही। इंजीनियर को भी हमें अच्छे से सोल्ड कर लेना है। इसमें एक और जीनर था, उसको भी लगा देना है। जीनर के ऊपर आराम से निशान बना होता है, निशान को देख के लगाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई पीछे आपके पड़ा नहीं है, समझ रहे हैं जी। जल्दी जल्दी करेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा या हो जाएगा, वो काम और बेकार हो जाएगा। मैंने यहाँ से पेस्ट हटा लिया है। अब जो प्रिंट खराब था उसको हमें ठीक करना है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैंने ये दोनों जीनर को भी लगा दिए हैं, और इसको मैं थोड़ा सही से सोल्ड कर देता हूँ ताकि फिनिशिंग आ जाए इसमें। ये देखिए ये भी हो गया, ये देखिए हो गया फिनिशिंग से। अब यहाँ पर एक प्रिंट तो हमारा ये डैमेज है और एक है, इसको जोड़ के फिर आगे गेट ड्राइव चेक करते हैं। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं तुरंत फटाक से। देखिए ये प्रिंट वगैरह क्या होते हैं, जब भी हमारा मॉस्फेट शॉर्ट होता है तो अगर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस खराब नहीं होगा तो प्रिंट खराब हो जाएगा। तो इसलिए फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है ताकि उसमें नुकसान कम हो और ज़्यादा नुकसान से पीसीबी को बचाया जा सके, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम इसको निकाल लेते हैं, रख लेते हैं। खुरोच के इसके ऊपर हम इसके उसके ऊपर कॉपर का वायर लेके इस पे हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। देखिए इसको लगाने के लिए आप सबसे बढ़िया ये तार को यूज कर लीजिए, जो आप कंपोनेंट वगैरह करते हैं काटते हैं उसके लेग को होता है उसको लगा लीजिए, या जम्पर वायर का यूज कर लीजिए।
ठीक है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। हवा लगाना, लगाओ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सोल्ड कर लेता हूँ, एल बना लिया हूँ, और एल बना के इसको अच्छे से सोल्ड करना है। देखिए क्या होता है कि गेट ड्राइव के सेक्शन में लापरवाही नहीं करना है आपको। अगर लापरवाही करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपका आन मिलो सजना तो होना ही होना है, कोई नहीं रोकेगा उसको। आने मिलो सजना का मतलब है कि आपका मॉस्फेट चले जाना है, खराब हो जाना है। इसको भी हमें ठीक है, अब ऊपर से हमने इसको वो कर लिया है, तो अब नीचे से भी हमें सोल्ड कर देना है ताकि प्रिंट हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए हो गया प्रिंट तैयार ये वाला, देखिए ये वाला भी हमारा प्रिंट से फोल्ड हो गया दोनों। इसको कंपोनेंट कटर से हमें काट लेना है, अब इसके हमें मॉस्फेट की गेट की ड्राइव चेक करनी है, जो गेट और सोर्स के बीच रीडिंग जो आता है, यही चीज़ नहीं आ रही थी जिससे मॉस्फेट हमारा चालू नहीं होता। थोड़ा जूमिंग में कम कर देता हूँ और देखिए इसके मल्टीमीटर के स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए 33 की रीडिंग आ गई, 30 की आ गई रीडिंग, तो सेम इधर भी 30 की रीडिंग आएगी, देखिए आ गई, जो कि पहले नहीं आ रहा था। अगर आप ये नहीं चेक करते और आप लगा देते तो हो सकता कि आपका सेट चालू ही नहीं होता, या तो होता तो मॉस्फेट की आपकी फिर शॉर्ट हो जाता। मैं इसको क्लीन करके एक बार मैं कंपोनेंट की लोकेशन आपको सही से दिखाता हूँ। जो इसमें IGBT लगा है वो 40-120 लगा है, ठीक है, तो हम दोनों IGBT को देखिए, यहाँ पर जो ब्लास्ट हो गया था पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था, इसको खोल के और हम दूसरा लगाते हैं, तो इसके पेच को ऊपर से खोल लीजिए, ये टाइट होता है ध्यान रखिएगा, देखिए इसको खोल लिए, और साथ ही साथ इसको खोल लिए, देखिए ये दोनों IGBT हमारा ख़राब हो चुका है। इसके हीट सिंक को हमने अच्छी तरीके से साफ़ करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हीट सिंक आप सही से साफ़ नहीं करेंगे और यहाँ पे डस्ट वगैरह रहेगा तो आपकी IGBT तुरंत के तुरंत शॉर्ट हो जाएगी। देखिए 40-202 है, तो यहाँ पे ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1200 है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इसको रगड़ देना है, देखिए IGBT के पीछे से, क्योंकि यहाँ पर कार्बन वगैरह होगा तो हीट जो है हीट सिंक में सही से ट्रांसफ़र नहीं होगी और आपका IGBT शॉर्ट हो जाएगा। देखिए तो पहले हम एक को टाइट कर लेते हैं, देखिए, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हीट सिंक कंपाउंड लगाना है वह बिल्कुल थोड़ा मात्रा में लगाना है। ये मत समझिएगा कि जितना ज़्यादा लगा देंगे उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा, ऐसा नहीं है, वो उतना ही, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि जब इंसान के लिए ज़्यादा दवा खा लेते हैं तो वो भी नुकसानदायक होता है, तो हर एक चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाने में वो नुकसान ही होगा, तो ये हीट सिंक कंपाउंड भी ज़रूरत से ज़्यादा लगाने पर नुकसान करेगा। दूसरे वाले को भी साफ कर लेते हैं हीट सिंक को, देखिए अभी मैं टाइट किया हूं लेकिन IGBT मैंने चेक नहीं किया है, अभी मैं चेक कर लूंगा। इसका कुछ समय बाद सारा सामान आपको मिलेगा, A to Z जो भी चाहिए सब मिलेगा। तो IGBT हमारा बिल्कुल ओके है, एक तो हमारा बिल्कुल ओके है, दूसरा भी बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर इसमें थोड़ा सा रीडिंग ज़्यादा क्यों आ रहा है भाई, 508। ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 300 से लेकर 600 के बीच में आना चाहिए, बिल्कुल ओके आ रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4R7 की दो रेजिस्टेंस लगाया और ये दोनों हमने 10 ओम की दोनों रेजिस्टेंस बदली और ये दो जो जीनर बदले, इसकी गेट की ड्राइव बदल आ गई है। अब इसमें हम IGBT लगाएंगे। तो देखिए, IGBT आपका ये रहा 40120 का जो हमने लगाया है, और इसमें ऐसे लगा कर देखिए, इसको ऐसे टाइट कर देना है, बस इसका इतना ही काम है। पीछे से आपके दो पेच लगाए हैं, तो ये देखिएगा कि अगर ये पेच सही से टाइट नहीं करेंगे, ये वाले, ये एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर नहीं साफ होगा तो इसका जो वोल्टेज शिफ्टिंग है वो शिफ्ट नहीं होगा हीटसिंक के माध्यम से, और ये वेल्डिंग मशीन लोड नहीं लेगा, क्योंकि इसका प्रिंट जो है देखिएगा वो रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट है। देखिए यहाँ से लेते हुए यहाँ पर कनेक्ट है, तो इसको अच्छी तरीके से रेक मार से साफ करके ही लगाइएगा, और नहीं तो ये आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, हल्का हल्का रेक मार से साफ कर लीजिए ताकि कॉन्टैक्ट अच्छा हो पाए, लूजिंग ना रहे, ताकि इसमें आपका IGBT मेरा बार बार ख़राब ना हो। तो देखिए, हम इसको लगा देते हैं, ये वाला इसमें लगेगा, ये हमने लगा दिया। और एक चीज़ और, मॉसफेट का नीचे का जो हीटसिंक का पेच है उसको टाइट करते समय प्यार बिल्कुल भी ना दिखाए, नहीं तो ये आपको बिल्कुल प्यार कर देगा, समझ जाइएगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं, आपको ढील नहीं देगा कि भैया तुमने मेरे को टाइट करते समय ढील दे दिया तो हम तुम्हें ढील दे देंगे, ये ढील नहीं देगा, तुरंत ही IGBT को शॉर्ट मार देगा। ठीक है, तो हम इसको फटाफट से देख के पेच इसका लगा देते हैं। ठीक है, इसमें प्लास्टिक की वासल नहीं लगेगा फाइबर का, क्योंकि हमें यहाँ पर पेच के साथ भी कंटेक्ट होता है, तो इसमें फाइबर की वासल नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमें इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो भाई दिल से आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करो यार, इतने मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो जो है 1500-1500, 2000 व्यूज, 3000 व्यूज आती है, पर लाइक सिर्फ 50 से 60। पता नहीं क्या ऐसा आप लोगों को मेरे से दुश्मनी है या प्यार है, भगवान जाने अब इसमें मैं क्या बताऊं, पर अगर जितना प्यार आप लोग वीडियो दिखाने में देते हैं उतनी प्यार अगर लाइक दबा दिया करें, क्योंकि उससे पैसे थोड़ी लगते हैं आपके, होते तो बिल्कुल फ्री हैं, पर हो सकता है कुछ भाइयों को लग रहा हो कि अगर लाइक देंगे उसको तो ज़्यादा पैसा कमाता होगा भाई, तो ऐसा मैं बता दूं कि मैं तो YouTube चैनल से अभी तक मोनेटाइज ही ऑन नहीं किया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार जरूरत है, ये मोनेटाइज हो या ना हो उससे मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए कि अगर हम लाइक करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है, मैंने मोनेटाइज ऑन ही नहीं किया है। तो इसके पेज को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, साथ ही साथ मॉसफेट के जो आगे पेच लगा है उसको भी हमें प्रॉपर टाइट करना है पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे टाइट नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि मॉसफेट थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। तो ये भी हमारा पूरी तरीके से टाइट हो गया है, अब दूसरे वाले को भी हम लगाने से पहले इसका पेच को टाइट कर लेंगे, सुराख मिला लें तो गुड, अच्छा है, इसको टाइट कर लेते हैं पहले। हो गया, इसको भी हम लगा लेते हैं और इसके पीछे के पेच को भी हम टाइट कर देते हैं, दोनों पेज को टाइट करना है।
दोनों के दोनों पेज को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। पीछे से हाथ लगा के इसको भी टाइट कर लिया। देखिए ये टाइट हो गया दोनों के दोनों हीटिंग। अब इसको अच्छे से हमें सोल्ड कर लेना है। मैं सोल्ड पहले करता हूँ, लेकिन आज क्या करूँ, लेग काफ़ी लंबा है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से काट ले रहा हूँ ताकि सोल्ड करते समय दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हल्का हल्का पेस्ट लगा के अच्छी तरीके से इसको सोल्ड कर देंगे ताकि कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए एक हो गया। कभी भी जो सोल्डर वायर है लोकल यूज ना करें, क्योंकि लोकल आप सोल्डर वायर यूज करेंगे ना तो वो सोल्ड तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में ठीक हो जाएगा, पर उसमें क्या होगा आपका कि उसमें कार्बन जल्दी पकड़ेगा, और कार्बन पकड़ेगा तो जो भी कंपोनेंट आपका लगा होगा वो कार्बन के कारण जल्दी खराब हो जाएगा, मतलब उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या सोल्ड अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बिल्कुल बेहतरीन करके सोल्ड हमारा हो चुका है। एक बार मैं थोड़ा सा ये बड़े वाले आयरन से हल्का सा गर्म कर देता हूँ ताकि हीटिंग अच्छा होगा ना तो पकड़ अच्छी हो जाएगी। देखिए 125 वाट वाले आयरन से कर देता हूँ। देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीनों हो गया, चार, पांच हो गया और एक छः हो गया। देखिए मैं आपको सोल्ड दिखाता हूँ। मैं जो सोल्ड यूज करता हूँ वो ओरिजिनल यूज करता हूँ सोल्डर जो है। देखिए पीछे से इधर देखिए आप, देखिए देख रहे हैं। और अब इसका हमें गेट ड्राइव दोबारा से चेक करना है कि मॉस्फेट लगाने के बाद गेट ड्राइव बन रही है कि नहीं बन रही है। पहले ड्रेन टू सोर्स का रीडिंग चेक करेंगे जो 300 से लेकर 600 के बीच में आएगी, गेट और सोर्स की रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें मॉस्फेट की ड्रेन टू सोर्स की रीडिंग चेक करना है 300 से 600 के बीच में, गेट और सोर्स की रीडिंग चेक करना है कि जो कि 30 है, सेम दोनों को ही चेक करना है। इसकी तरफ हमें दो डबल डायोड लगे हैं 30U60 के जो लगे होते हैं या D92 लगे होते हैं, बहुत से लगे होते हैं, इसको भी चेक कर लेना है। काला तार बीच वाले पर रीडिंग चेक कर लेंगे, शॉर्ट नहीं आ रहा है, साथ ही साथ इसको भी चेक कर लेंगे। इसके साथ में ये तो सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ में देखिए ये एक हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ था, ये टूट गया है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हल्का सा एल्फी लगा के ये जहाँ पे कसा हुआ था या वासल लगा के यहाँ पे टाइट कर देंगे अंदर को, ये हो जाएगा, इसका एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ दोनों कैपेसिटर लगा लेना है आपको। इसका कैपेसिटर जो है ध्यान दीजिएगा 450 वोल्ट 330 UF का है। देखिए तो ये दोनों कैपेसिटर को हम लगा लेंगे और इसका बाकी प्रॉब्लम जो भी है पार्ट 3 में मिलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो वीडियो को भाई।